शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं की हमारी सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम HDFC बैंक के यहाँ पे 10,000 रुपए के शेयर खरीदेंगे और साथ में सीखेंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको सीखने के बाद आपको खुद ब खुद ये पता चलने लग जाएगा कि इस स्टॉक को कब तक रखना है और कब इसको बेच देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। पहले वाली वीडियो हमने सीखा था कि 5 मिनट, 15 मिनट या एक डे की कैंडल किस पे काम करें। ये जो हमारी सेकेंड वीडियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, स्किप करें, जल्दी मत कीजिएगा। सबसे पहले हमें मार्केट यहाँ पर चल रही 10:23 हो गए हैं HDFC बैंक के, यहाँ पहले हम शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो सिग्नल है वो अच्छे सिग्नल है कि मार्केट बुलिश है। और यहां ये रेड कलर की जो लाइन दिख रहे हैं और देख रही है, रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है यहां पे, ये वाली लाइन, तो यही लाइन है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की, इसकी भी बात करेंगे। पहले आपको दिखाता हूं कि शेयर कैसे खरीदना है और किस तरीके से हम बाय कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल रहता है, जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हो, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से 10 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा और अगले दिन 24 घंटे में आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही लॉगिन करोगे, सिंपली सर्च वाले बटन में जाकर के जो भी बैंक के शेयर खरीदने हैं या कुछ भी कंपनी के शेयर के, उसको सर्च करोगे, नाम आ जाएगा, उसको ऐड कर लेना है। मैंने यहां पे HDFC बैंक ऐड कर रखा है। यहां पे बाय बटन आ जाएगा, बाय बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे ये HDFC बैंक 1700 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब हम यहां पे मतलब 6 शेयर्स देखते हैं। 6 शेयर्स के लिए हमें 10,212 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसको मैं 6 शेयर खरीदने वाला हूं। स्टार्टिंग हम इसको लॉन्ग टर्म पे रखेंगे और टाइप इसको मार्केट पे रखेंगे। मार्केट का मतलब है जो भी अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, मैं इसी रेट के ऊपर खरीदने के लिए तैयार हूं, तुरंत मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे हम सीखेंगे कि इंट्राडे क्या है। इंट्राडे होता है कि आज खरीद रहा हूं तो मुझे आज ही बेचना पड़ेगा, इसको मैं कल तक या अगले दिन तक होल्ड नहीं कर सकता, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि अभी हम नए हैं। तो सिर्फ क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। 10,000 के शेयर खरीदने वाला हूं HDFC बैंक का, बिल्कुल लाइव यहां पे वीडियो चल रही है अभी। यहां पे देखिए नीचे आपको बटन मिलेगा स्वाइप टू बाय का, अब इसको मैं स्वाइप टू बाय करूंगा। यहां पे स्वाइप टू बाय किया और यहां पे ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया। ऑर्डर वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि 1703 रुपए पे हमें यहां पे 6 शेयर्स मिल गए HDFC बैंक की, जो कि तकरीबन 10,000 की वैल्यू के शेयर थे, जो कि बिल्कुल हमने देख लिए शेयर कैसे खरीदें और कैसे बेचें। बहुत ही आसान है शेयर को खरीदना और बेचना। और इसी तरीके से चाहो तो शेयर मार्केट में 100 रुपए से भी पैसे लगा सकते हो, यह जरूरी नहीं कितने लगाना है, लेकिन मिनिमम 10,000 के आसपास का आपका बजट रहना चाहिए। उसके बाद में पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाओगे, पोर्टफोलियो में जाओगे तो होल्डिंग्स आएगा। अगर आज मैंने खरीदा तो पोजीशंस वाले में आएगा और कल के बाद ये होल्डिंग्स वाले में दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि इसको मैं जब तक जाऊँ तब तक होल्ड कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी 60 पैसे का मुझे नुकसान हो रहा है, तो इसको बेच दूंगा। बेचना भी मैं आपको सिखा दूंगा, बेचना ही बहुत ही आसान है, सिंपल रहता है। जैसे इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिट का बटन आ जाएगा, एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्वांटिटी ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा, स्वाइप टू सेल करेंगे, जो शेयर वो बिक जाएगा। देखा कितना आसान रहता है। मेन चीज़ ये कि आपका अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट खोलना ही बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई आप मैसेज कर देना, आपको सामने से हम गाइड कर देंगे अकाउंट कैसे खोलना, किस ब्रोकर के साथ खोलना है, क्योंकि गलत ब्रोकर के साथ खोल लिया भाई तो फिर चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो अब बात आ जाती है कि वो कौन सा, जो हमने मूविंग एवरेज की बात करी, उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहां पे HDFC बैंक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पे व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करना, जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे नीचे आपको व्यू चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद में ये जो यहां पे आपको FX करके दिखाई देगा, फिक्स करके सारा का सारा काम अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूं जो मैंने लाइन लगाई थी, और बिल्कुल शुरू से आपको बताता हूं कैसे करना है। ओके, तो अब यहां पे खरीदना है। टाइम फ्रेम हम यहां पे रखेंगे 1 डे, क्योंकि हम इसको होल्ड करने वाले हैं। अब जो FX लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टडीज के सामने यहां पे सर्च का बटन हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम सर्च करेंगे और इसमें सर्च में लिखेंगे मूविंग, MOVING मूविंग, नीचे हमको मूविंग एवरेज लिखा दिखाई दे रहा है, तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे पीरियड 50 आ रहा है, उसको कम करके 20 कर देंगे। टाइप सिंपल है, सिंपल को हटा करके क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। और जैसे ही एक्सपोनेंशियल कर देंगे, नीचे आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा और डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो लाइन है हमारे सामने बन करके आ गई है। अब इस लाइन को किस तरीके से फॉलो करना है, देखिए ये क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि पिछले 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है और जो आगे वाले मूविंग एवरेज है पास वाले, उनको ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा उसको ज़्यादा कंसिडर करता है। और ये जो सिग्नल देता है ये सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा सा अच्छा देता है और थोड़ा सा फास्ट देता है। ओके,
अब जब तक आप मान लो मैंने 1702 पे ख़रीदा है तो इसको मैं तब तक ऊपर होल्ड कर सकता हूँ जब तक कि ये जो मार्केट है इस लाइन के ऊपर चलती रहेगी। जिस दिन ये जो मार्केट है ये जो रेड वाली लाइन के नीचे आ जाएगी उस दिन मैं क्या कर दूंगा, इसको बेच दूंगा, यहाँ पे जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा उसको मैं एग्जिट कर लूँगा। यानी कि अब होगा क्या कि जब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाती है तब तक ना तो मुझे ख़रीदना है और अगर नीचे जाती है तो मुझे इसे बेचना है। अब किसी और स्टॉक पर भी आपको करके दिखाता हूँ, लेट्स से यहाँ पर टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी के हुआ क्या है, ये जो लाइन चल रही थी कल से, ये देखिए ये रेड वाली लाइन से ये जो कैंडल ऊपर निकल करके गई और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी भाई देखो कितना मस्ट प्रॉफिट यहाँ पे निकला, 20 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है। और ये कहाँ से पता चल गया, इस लाइन ने खुद ही बता दिया भाई कि इसको एंट्री ले लो, सिंपल है ना कितना। इसको थोड़ा सा और पीछे करके देखोगे तो सेम आप देखोगे कि जब जब ये लाइन नीचे की तरफ क्रॉस होगी मार्केट नीचे जाती हुई दिखेगी आपको, और जब जब ये लाइन से ऊपर मार्केट जा रही है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। तो देखा कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो ये हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ये जो प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं और शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदें बेचें, इसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत यहाँ पे नया कुछ आप सीख करके जाओगे, मतलब एक्सपर्ट बन करके जाओगे। साथ में रोज यहाँ पे मैं ट्रेडिंग के सेशंस भी आपको लाइव दिखाऊंगा, प्लस आपको हर एक नई चीज सिखाते जाऊंगा। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है, इसके बाद में फर्स्ट वीडियो भी जरूर देख लेना, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। दोबारा से पोर्टफोलियो में चलते हैं, पोजिशन में चलते हैं। यहाँ पे हमें 5 रुपए 10 पैसे का फायदा हो रहा है। तो अब क्या करना है, मान लीजिए अब मुझे इसको बेचना है, सिंपली क्या करना, चलो बेच कर भी आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है, एग्जिट में जाना है, मार्केट है, मार्केट के ऊपर क्या करेंगे, स्वाइप टू सेल कर देंगे। भाई यहाँ पे बिक भी गया, जितना आसान खरीदना था उतना ही आसान बिक भी गया, और बेचते बेचते ही मतलब जो 5 रुपए का प्रॉफिट था कितना रह गया, 60 पैसे का, यानी कि मार्केट एकदम से नीचे आ गई, मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही है। तो देखा हमने कितनी आसानी से इसको खरीद भी लिया, कितनी आसानी से इसको बेच भी लिया। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, जितना भी बजट है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। और जो हमने चीज़ यहाँ पर देखी मूविंग एवरेज, वो भी आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग था, वो भी बहुत काम की चीज़ है। तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, कैंडल स्टिक को भी सीखोगे। जैसे कैंडल स्टिक हमने उस दिन बात करी थी फर्स्ट वीडियो में कि कितने कितने टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसे अभी आज की वीडियो मैंने 1 डे लिया, इसका कारण क्या था, क्योंकि हम इसको होल्ड करने वाले हैं। इसको आप 3 महीने 6 महीने तक होल्ड कर सकते हो। अगर आपको मतलब इंट्राडे करना है तो आप 15 मिनट के ऊपर काम कीजिए, अगर आप 1-2 घंटे तक होल्ड करने वाले हो। अगर आप मतलब ऐसा कि आधे घंटे में निकलने वाले हो तो भाई सिंपल क्या करो, 5 मिनट का कैंडल देखो। और वो लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं कि हर मिनट में ट्रेड, मतलब 10 मिनट में 3-4 ट्रेड्स ले ली, वो 1 मिनट वाला देखते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर एग्जिट करते हैं, अपनी क्वांटिटी से वो ज़्यादा रखते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो ब्रोकरेज वगैरह है वो सही ब्रोकर के साथ अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो भाई ज़्यादा प्रॉफिट निकल नहीं पाता है। तो सही ब्रोकरेज वाला ब्रोकर कौन सा है उसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही रही है। अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। चाहिए कुछ नहीं होता अकाउंट खोलने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल चाहिए, उम्र आपकी 18+ होनी चाहिए, सिंपल इज दैट। और जो ये जो अभी ब्रोकर देख रहे हो इसमें भाई अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, जिसमें 0 ब्रोकरेज है, कोई भी ब्रोकर है ही नहीं है, और अकाउंट ओपनिंग की जो फीस है भाई 200-300 रुपये फीस लगती है 1 टाइम, और उसके बाद में कुछ नहीं लगता है। उसके बाद में हाँ, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हो डीमैट में तो आपको AMC पे करना पड़ता है, वो भी कितना, साल का 300-350 के आसपास रहता है। तो उससे ज़्यादा तो भाई कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट निकाल लेते हो, अगर ट्रेडिंग नहीं करते हो तो कुछ नहीं देना पड़ता है, सिंपल इज दैट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं पार्ट 2, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।